السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخ، وعليكم السلام ورحمة الله وعليكم وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. मेरा सवाल है, जैसे गांव में जैसे कपड़े बेचने के लिए आते हैं और कपड़े के साथ जी साथ में जैसे कपड़ा खरीदने पर कुछ कुछ इनाम देते हैं उसमें, ठीक है, ये इनाम देना जायज है? वाजह है आपका सवाल, और ऐसा सिर्फ जो है गांव में नहीं होता है कि गांव में कपड़ा बेचने कोई आया है और साथ में इनाम भी दे रहा है, बल्कि ऐसा बड़े बड़े मॉल वगैरह में भी होता है, सुपरमार्केट्स में होता है, बड़ी बड़ी कंपनियों में भी होता है कि अगर आप सामान खरीदते हैं तो जी आपको उसके साथ में कोई टोकन दिया जाता है और वो टोकन मुसलसल कई दिनों तक महीनों तक बांटा जाता है, उसके बाद जिसका नाम निकलता है उसे इनाम दिया जाता है। तो इन तमाम सूरतों में इसका शरई हुक्म जानने के लिए इसमें थोड़ी सी तफसील करनी होगी। जी तफसील ये है कि जो आपको इनाम दे रहा है क्या, या जो टोकन दे रहा है कि टोकन में जिसका नाम निकलेगा उसको इनाम मिलेगा, जी। क्या उस टोकन की वजह से उस सामान के रेट में वो ज्यादती कर रहा है या उसका जो आम रेट है उसी रेट में बेच रहा है? जैसे सामान की असल कीमत है 1,000 रुपया, लेकिन चूंकि साथ में आपको कूपन भी दे रहा है तो वो जो है 150 रुपया ज्यादा ले रहा है, और आप इस लालच में खरीद रहे हैं कि हो सकता है मेरा नाम निकल आए तो मुझे एक बड़ा इनाम मिल जाएगा। तो हम ये देखेंगे कि क्या जब वो कूपन देता है तो कुछ उस कूपन की वजह से क्या सामान के रेट में वो इजाफा कर देता है। अगर उस कूपन की वजह से सामान के रेट में इजाफा कर देता है तब उसका खरीदना जायज नहीं है। उसकी वजह क्या है, उसकी दलील क्या है? उसकी वजह यह है कि सामान तो आपको वो 1,000 का दे रहा है लेकिन साथ में 100 रुपए का वो इजाफा कर रहा है, गोया कि उस कूपन की कीमत 100 रुपए है। आप 100 रुपए में वो कूपन खरीद रहे हैं, अब उस कूपन से आपको कुछ मिलेगा भी कि नहीं, कितना मिलेगा कुछ भी पता नहीं है, और यही दरअसल जुआ है। जैसे जुआ में, लॉटरी में आप जो है टिकट खरीदते हैं, आपका कुछ भी नहीं निकल सकता है, आपका बहुत बड़ा इनाम भी निकल सकता है, तो दरअसल यही जुआ है। तो अगर उस कूपन की वो कीमत लगा रहा है, असल सामान में कीमत में इजाफा कर रहा है, तब उसका खरीदना जायज नहीं है, और अगर वो सामान को उसके असली रेट में बेच रहा है और साथ में आपको एक कूपन भी दे रहा है, तो अगर वो साथ में कूपन भी दे रहा है और उसमें इजाफा नहीं कर रहा है तो ऐसी सूरत में यहां पर हम ये देखेंगे कि वो जो दुकानदार है ऐसा तो नहीं है कि वो दुकानदार दूसरे दुकानदारों को उससे नुकसान हो रहा है। ऐसा हो सकता है कि कोई दुकानदार कूपन बांट रहा है और सारे कस्टमर उस कूपन की वजह से उसके पास जा रहे हैं, इंशाल्लाह। तो अगर उसकी वजह से दूसरे ताजरों का नुकसान हो रहा है तो ऐसी सूरत में तब भी जायज नहीं होगा। ये दो चीजें हमने देखी इस वक्त तक। तीसरी एक चीज और देखेंगे कि जब आप वो सामान खरीद रहे हो तो क्या आपका मकसद वो सामान खरीदना है या आपका मकसद वो इनाम पाना है? जी। अगर बेसिकली आपका मकसद वो सामान की जरूरत नहीं है, आपको आप इस लालच में सामान खरीद रहे हो कि हो सकता है मेरा इनाम निकल आए, तो ऐसी सूरत में भी खरीदना जायज नहीं होगा। क्यों? वो इसलिए कि सामान तो आपका मकसद है ही नहीं, और जो चीज आपके मकसद में दाखिल नहीं है गोया कि वो खरीदो फरोख्त में शामिल नहीं है, उसको आप साइड कर दीजिए। आपका मकसद वो इनाम है और वो इनाम तो आपको पता नहीं है कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और उस इनाम के लालच में आप एक रकम जो है सामने वाले को दे रहे हैं और उसकी कोई जमानत और गारंटी नहीं है कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो इस सूरत में भी ये जुआ हो जाएगा। तो बुनियादी तौर से ये तीन चीजें देखेंगे। पहला ये कि क्या वो जो कूपन दे रहा है उस कूपन की कीमत ले रहा है कि नहीं, अगर कीमत ले रहा है तो जायज नहीं है, और दूसरा ये कि क्या दूसरे ताजिरों को उससे नुकसान पहुंचा रहा है वो, अगर नुकसान पहुंचा रहा है तब भी जायज नहीं है,
तीसरा ये कि आपका मकसद क्या वो कूपन हासिल करना, वो इनाम हासिल करना है या वो सामान खरीदना है। अगर सामान खरीदना आपका मकसद है तब तो जायज है, और अगर वो कूपन आपका मकसद है या वो इनाम आपका मकसद है तो ये जायज नहीं है। अगर ये तीनों खराबियां ना पाई जाए और कोई दुकानदार आपको खरीदे हुए सामान के साथ में कोई जायद चीज गिफ्ट के तौर पर दे रहा है तब ये जायज है, क्योंकि ऐसी सूरत में गोया कि वो एक इनाम दे रहा है आपको, अपनी तरफ से गिफ्ट दे रहा है, तो उसके लेने में और सामान के खरीदने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन ये जो तीन पॉइंट्स मैंने जिक्र किए, इन तीनों को ध्यान में रखें तभी ये चीज जायज होगी। मान लीजिए जैसे वो स्वेटर बेचने आया, गांव में ठंडियों का मौसम है, स्वेटर बेचने आया। अब वो स्वेटर जो है आमतौर से 500 का बिकता है, लेकिन वो स्वेटर की कीमत जो है 1000 लगाए हुए है, और कस्टमर इस लालच में है कि ये स्वेटर खरीदूंगा तो हो सकता है मेरा नाम निकल आए कूपन में तो मुझे एक बड़ा इनाम मिल जाएगा। तब गोया कि वो जो है उस कूपन के लालच में वो 500 रुपया दे रहा है, जो कि पता नहीं अभी मिलेगा कि नहीं। या इसी तरह से वो जो है उसकी कीमत में इजाफा कर रहा है, गोया कि कूपन का पैसा ले रहा है, और कूपन का पैसा ले रहा है तो ये मजहूल है, कुछ नहीं पता है मिलेगा कि नहीं। तो आप ये तीनों पॉइंट्स पर कंसंट्रेट करके उससे पता करें, और अपने बारे में आप खुद जानते हैं कि क्या आपका मकसद वो कूपन है जो स्क्रेच करके देता है या आपका मकसद वो सामान है। जी जी, असल में कोई जाता है खरीदने के लिए तो वो ये सोचता है कि मेरे को यहाँ से भी लेना है, यहाँ से भी लेना है, अब यहाँ से ही ले लेता हूँ, हो सकता है मेरा इनाम आ जाए। हाँ देखिए, तो इसका मतलब वो सामान खरीदने गया था, इनाम के लिए नहीं गया था, वो मार्केट गया सामान खरीदने के लिए, तो उसका असल मकसद तो सामान हुआ। तो यहाँ पे हम नहीं कहेंगे कि उसका मकसद कूपन है। दो दुकानें हैं, शक्ल है ना शेख, ये भी तो। देखिए देखिए अर्शद भाई, जुआ किसको कहते हैं? जुआ इसको कहते हैं कि आप कहीं पर रकम लगाएं जी, और ये सूरत हाल हो कि आप रकम जो लगा रहे हैं आप हो सकता है फायदा उठा करके निकले और हो सकता है नुकसान उठा करके निकले, इसको जुआ कहते हैं जी। जबकि आपको उस पैसे के बदले में कुछ मिल नहीं रहा है भाई, आपने जो आपको जो स्वेटर मिला उसकी तो आपने कीमत दी है, लेकिन जो टोकन है उसके बदले में तो आपको कुछ नहीं मिला है। तो जुआ दरअसल ये है कि आप किसी ऐसे मामले में दाखिल हो जिसमें आपको ये पता ना हो कि आप जो है राबे होकर निकलेंगे या खासिर यानी फायदा उठाकर निकलेंगे या जो है नुकसान उठाकर निकलेंगे, तो इसको जुआ कहते हैं।